हमारे साथ जुड़ गए हैं सूर्य प्रकाश मैथिल जो बीजेपी नेता हैं, रीना गुप्ता हैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। सूर्य प्रकाश जी, एलजी को ये अधिकार नहीं है और ये पहली बार हुआ है इतिहास में कि किसी राज्य सरकार का बजट जो है वो रोका गया है इस तरह से, चुनी हुई सरकार का। तो एलजी अगर सवाल उठाते हैं तो राघव चड्ढा को अपने अभी सुना कि गिनाए उन्होंने, और ये बात ऐसा नहीं कि वो अपने मन से कह रहे हैं, कि किन किन क्षेत्रों में वो सवाल उठा सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात की, 239A की बात की, तो ये एक इतिहास बना कि एलजी ने, गृह मंत्रालय ने एक चुनी हुई सरकार के बजट को रोका। बजट रोकने का औचित्य क्या? आम आदमी पार्टी को झुकाना, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल माफी मांगे, गिड़गिड़ाए, तब फिर उसी बजट को बिना किसी बदलाव के पेश करने की अनुमति दे दी गई। धन्यवाद नगमा। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर पूरे देशवासियों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए नगमा, अभी मैं सुन रहा था राघव चड्ढा जी को, लगातार एक बात बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी को झुकाने के लिए ये सारा का सारा खेल रचा। तो मैं दो तीन बिंदु है जिनको लेके आना था। पहली चीज, किसी भी प्रकार से किसी भी बजट पे रोक नहीं लगाई गई थी। दूसरी चीज, अरविंद केजरीवाल जी यहां पर विधानसभा में भी झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने 20 तारीख को उनको जानकारी दी, 17 तारीख को एलजी साहब ने तीन उनसे प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था कि राजधानी में जो बुनियादी ढांचे के लिए विकास का जो फंड है वो मात्र 20% क्यों आपने किया, जो कि इतिहास में सबसे कम है। उसके अलावा दिल्ली सरकार ने अपने बजट को दुगना क्यों कर दिया? अभी राजेंद्र चड्ढा जी बोल रहे थे पिछले साल के बराबर बजट है। अब जब बजट पेश होगा तो आप देख लीजिएगा कि बजट दुगना है। और तीसरी चीज, आयुष्मान भारत जैसी लाभकारी योजनाएं जो दिल्ली को आवश्यकता है, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक पूरे तरह से फेल हो चुके हैं, दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटलों में लगातार अव्यवस्था का माहौल है, तो प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान योजना क्यों नहीं दिल्ली में लागू? आपने जो बातें की कि क्यों नहीं ये हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है वो इतना कम है, प्रचार प्रसार के ऊपर बजट ज्यादा है, वो एक मुद्दा है। मेरा सवाल ये था जो कहा जा रहा है, आपने कहा कि बजट को रोका नहीं गया, एक बार सुन लीजिए सर सवाल, सूर्य प्रकाश जी, बजट को रोका गया या नहीं रोका गया? क्योंकि ऐसा आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने अभी अभी विधानसभा में कहा कि देश के 75 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य का बजट रोका गया। अब सवाल यह है कि क्या एलजी को ये सवाल, बजट जैसा भी था, क्या ये सवाल उठाने का अधिकार है? देखिए नगमा, एलजी साहब को सभी चीजों का अधिकार है। दिल्ली में वो पूछ सकते हैं कि आप दिल्ली के अंदर जो बजट दे रहे हैं उनमें आखिर क्या कारण है कि दिल्ली के विकास के लिए आप फंड को कम कर रहे हैं लगातार, दिल्ली के अंदर जो विज्ञापन का बजट आप दुगना कर रहे हैं, और दिल्ली के अंदर जो केंद्रीय योजनाएं हैं, जो अत्यंत लाभकारी योजनाएं हैं, उनको आप लागू नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक है, रीना गुप्ता, आपका जवाब। एलजी को ये अधिकार है कि वो ये सवाल पूछे कि दिल्ली के अंदर इन योजनाओं को आप लागू क्यों नहीं कर रहे। दूसरी बात, गलत बयानी की है आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली ये बजट जो है इसे रोका नहीं गया, सवाल पूछे गए थे जिसका जवाब देना चाहिए था। नगमा जी, असली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के बढ़िया काम, उनकी बढ़िया लोकप्रियता से जलते हैं। आप किसी एक नॉर्मल देश में जाएंगे तो लोगों में आपस में प्रतिस्पर्धा होती है कि कैसे हम बढ़िया काम करें। अगर किसी ने 100 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, 100 स्कूल बनाए हैं, तो हम 200 स्कूल बना के दिखाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई ढंग का काम तो करना आता नहीं है, सिर्फ दूसरों के कामों में रोड़ा अटकाना आता है, गाली गलौज करना आता है, गुंडागर्दी करना आता है। इनको संविधान की कोई अकल नहीं है, संविधान पढ़ा नहीं है ने। सूर्य प्रकाश जी, एक बात मैं आपको याद दिला दूं, जब आप बोल रहे थे तो रीना गुप्ता ने बीच में टोका नहीं था, आप उनको जवाब देने दीजिए और सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास फिर आऊंगी। रीना जी, मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि एलजी का अधिकार क्षेत्र ये है या नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा अभी सूर्य प्रकाश जी ने कि एलजी को ये पूरा अधिकार है। एलजी का बिल्कुल अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन जो लोग संविधान को मानते ही नहीं है, जो लोग सिर्फ मनुस्मृति को जानते हैं और उसको मानते हैं, इस देश के संविधान का जिनके लिए कोई महत्व ही नहीं है,
वो लोग क्या कब कब से संविधान तो जो मानेंगे? सवाल पूछे एलजी गए महोदय, एलजी द्वारा, क्या वो गैर संवैधानिक तरीका था, नगमा जी जनतंत्र आप के मुझे खिलाफ बोलने था? नहीं दे रही हैं, उत्तर मुझे नहीं आप है बार इनके बार पास। रोक रही हैं, मेरा फ्लो नहीं, मत मैं रोको, आपसे ही पूछ रोकिए रही हूँ कि प्लीज, क्या थॉट ये मुझे गैर मत रोकिए मेरा। संवैधानिक था? बिल्कुल असंवैधानिक था। आर्टिकल में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि कहीं से बजट रोका जाए। आप देखिए कि दिल्ली सरकार ने, जब दिल्ली में कार्यकाल नगमा संभाला उत्तर था दीजिए आम आदमी मेरा। पार्टी की सरकार ने, दिल्ली का बजट 35,000 करोड़ होता था। आज की तारीख में दिल्ली का बजट लगभग 80,000 करोड़ है। ये है एक 17,000 ईमानदार करोड़ सरकार दिल्ली का को काम जो केंद्र 35,000 से सरकार 80,000 करोड़ तक बजट को ले आए। ये कैसे लेके आए? जो छोटे मोटे फ्लाईओवर बनने में जो दलाली खाई जाती थी, यहां पे दलाली वहां पे दलाली, ओहो वो सारी बंद हो गई। हो, तो शराब का पौवा सारा बांट दिल्ली दिया का दलाली साहब टैक्स का पैसा दिल्ली के लोगों के बढ़िया काम में लगाया जा रहा है। और यही ओहो। भारतीय जनता पार्टी को पछता अच्छा, नहीं है, क्योंकि ये पछता खुद तो बढ़िया नहीं, चिंता काम करना जानते नहीं। इनके ना इतने करो, साल हो तभी गए, जेल 25 जाओगे, साल से गुजरात में शासन चल तभी रहा जेल है, जाओगे, एक बढ़िया चिंता ना स्कूल ये दिखा नहीं करो। पाए। शराब तो की इन्होंने दलाली में जेल अब में बढ़िया हो, काम करने की मुख्यमंत्री बजाय स्वास्थ्य दिल्ली सरकार के बढ़िया काम को मंत्री रोकने जेल में में इतना है, मणि ज्यादा मंदिर इंटरेस्ट आप दोनों है। को एक मिनट आप देखिए, सूर्य प्रकाश जी आप बीच में लगातार बोल रहे हैं, उनको आप बात पूरी नहीं करने दे रहे। मैंने आप दोनों से बस एक छोटा सवाल इतना पूछ समय रही हूँ, आप इनको दे दोनों रही इसके हैं, ऊपर आपने अपनी मुझे अपनी समय टिप्पणी दे दिया। दीजिए। सूर्य नगमा पूरा प्रकाश स्टेज मैथिल, देख रहा आपके है, आपने हिसाब समय से ये नहीं एलजी दिया के अधिकार मेरे। क्षेत्र में है अरे सूर्य सवाल प्रकाश उठाना? मैथिल, थोड़ा शांति रखिए। आपकी एनडीटीवी है, यहाँ पे सब भी आप लोग बात बैठे सुन करते लीजिए हैं, पहले सुनते सूर्य हैं। प्रकाश बीच जी, में मैं मत आपसे बोलिए पूछ आप रही बार हूँ। बार, मुझे भी बीच में बोलना आता है। जी अगर ऐसे ही आप रोकेंगे, मैं आपको नहीं बोलने दूंगी, मैं भी आपके बीच में बोलूंगी। अच्छा गुंडागर्दी मत करिए टीवी अच्छा पे, मुझे बोलने दीजिए। गुंडागर्दी आप लोग नहीं, नहीं करती है, सूर्य रहने प्रकाश जी दीजिए, आप बीच रहने में दीजिए, बार बार दिखा अच्छा और रही ओके आप नहीं लोग। बोले, आप बात पूरी करने दीजिए उनको, और आपने अपनी बात पूरी की थी बिना रोक टोक के, तो आप उनकी बात आपने सुन ली। मैं मेरे आपको को पूछ आपने रही समय हूँ नहीं दिया, सूर्य आपने प्रकाश मुझे जी, समय मैं नहीं आपसे दिया मेरे पूछ पास। रही हूँ, आप सवाल सुन लीजिए। आप बीच में बोल के फिर कहते हैं कि समय नहीं दिया। मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये एलजी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये गैर संवैधानिक है, ये कहना है रीना गुप्ता का, आम आदमी पार्टी का? देखिए नगमा जी, नहीं, आप मैं उनको वकील बोलने दीजिए, हूँ, सूर्य प्रकाश को मैं बोलने दीजिए, एक वकील मिनट हूँ, मैं संविधान सूर्य की प्रकाश जी जानकार को बोलने रखती दीजिए। हूँ। रीना जी, एक मैं मिनट आपको आऊंगी आपके बता रही पास। हूँ कि संविधान ने साहब क्लियरली डॉक्टर लिखा ये हुआ लेके है, आए हैं, ये सूर्य एलजी प्रकाश के मैथिल, कार्य क्षेत्र से बाहर है। इनका भी जितने फीडबैक लोग यहाँ कीजिए पे ना, खड़े हैं, फिर ये यहाँ भी पे रीना बयान जी, करने एक वाले बार हैं, आप मैं उनको अपने जवाब अंदर देने इतना दीजिए। विश्वास रीना रखता हूँ जी, संविधान आप में। एक मिनट अब जवाब आप देने मुझे दीजिए क्या दे रहे उनको, हैं, जिन तो समझाइए प्लीज। बोलिए सूर्य प्रकाश। देखिए नगमा, अभी आम आदमी पार्टी के जो राघव चड्ढा जी, उन्होंने भी बोला और यहाँ प्रवक्ता उन्होंने ही बोला कि एलजी साहब को कोई अधिकार नहीं है प्रश्न पूछने का, चाहे ये दिल्ली के बजट के अंदर दिल्ली के विकास के लिए पैसे को कम करें, चाहे ये अपने विज्ञापनबाजी के लिए अपने बजट बताइए, को दुगना कर दें, विज्ञापन का बजट चाहे सुन बताइए, लीजिए पूरी बात बताइए विज्ञापन को, का मैं बजट आपके बीच कितनी में नहीं बिजली बोला, देते फिर हो आप बोल रहे आपको थे मैं पीछे बोल रहा हूँ, बताइए, मैं आपको कितना बोलने बजट है नहीं दूंगा, विज्ञापन फिर का, मैं आपको बोलने बताइए नहीं कितना दूंगा। बजट है आप विज्ञापन का, केंद्र की इतनी बताइए सारी कितना लाभकारी प्रतिशत योजनाओं को विज्ञापन दिल्ली का में बजट लागू नहीं है? करने दे रहे, दिल्ली का बजट यदि कितना एलजी है आपको साहब ने बताइए, आपसे 75,000 करोड़ 17 तारीख को में प्रश्न कितने पूछ जीरो लिया, होते तो हैं आप बताएं 20 तारीख आपको, तक उस लेटर को 75,000 करोड़ दबाते बैठे गिनना हुए जानती हैं आपने आप, उत्तर नहीं दिया। आपको पता है आप कितनी जीरो विधानसभा में होती झूठ है? बोल रहे हैं कि हमें बताइए आप जानकारी विज्ञापन आपका का कहना बजट है, आप आप लगातार झूठ बताइए, हटा बीजेपी दीजिए, विज्ञापन का का आरोप बजट है या कितना बीजेपी है? नेता सूर्य प्रकाश मैथिल आरोप लगा रहे हैं कि झूठ बोल रही है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला है। यहां रीना गुप्ता का ये कहना है या आम आदमी पार्टी का कहना है कि अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है एलजी के ये सवाल पूछना और ये जनतंत्र के खिलाफ है जो हुआ। दोनों का आपका धन्यवाद, लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि आम आदमी पार्टी जो है वो इस फाइल को लेकर जो सवाल पूछे गए थे वो बैठी क्यों रही। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बिना किसी बदलाव के वही बजट अब पास करने की अनुमति दे दी गई है, तो मकसद ये था कि आम आदमी पार्टी को झुकाया जाए। अरविंद केजरीवाल जब सामने आके गिड़गिड़ाए तब ये अनुमति दी गई है, लेकिन यहां पर बीजेपी का यह आरोप है कि जो जवाब मांगे गए उसका पूरा अधिकार है एलजी को, जवाब नहीं दिया गया।